दशहरा के त्यौहार की धूम पूरे देश के साथ साथ गोरखपुर में भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुगण जतिन जायसवाल, अर्पिता मिश्रा, अंकिता मिश्रा, आनंद त्रिपाठी एवं सविता देवी और श्री श्री ऑटोमोबाइल समिति के सदस्य अमित जायसवाल ने कहा, मेरा नाम जतिन जायसवाल है। यहाँ पे आते मुझे 6-7 साल हो गए। जब से मैं छोटा हूँ तभी से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ काली मंदिर के मूर्ति का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे यहाँ की हर चीज़ अच्छी लगते हैं। यहाँ के पंडाल, यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ के माँ की प्रतिमा मुझे बहुत ही सुंदर लगती है और मैं हर साल अगर मैं बड़ा भी हो जाता हूँ तो मैं इस जगह को कभी नहीं भूलने वाला हूँ। ये मेरी ऐसी संभावना है। अमृता मिश्रा, बचपन से ही बहुत अच्छा लग रहा है। क्या दाऊदपुर देखे, बेतिया आता देखे, फिर यहाँ आए, अब रुस्तमपुर जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे। अंकिता मिश्रा, मैं तारा मंडल से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गोरखपुर तो बहुत बेस्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मैं बचपन से बहुत आती हूँ। मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है, अशोक नगर। हम हर साल यहाँ घूमने आते हैं और इस साल भी हम लोग हमेशा की तरह आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और माता जी का दर्शन हुए और प्रसाद ग्रहण किए। धन्यवाद। सविता, बहुत अच्छा लगा गोरखनाथ से। दुर्गाबाड़ी में रेलवे स्टेशन गोरखपुर। अमित जायसवाल, इस पंडाल में पूजन अर्चन का काम मैं ही करता हूँ। ये मूर्ति जो है माँ की स्थापना जो 1978 में बैठाई जा रही है और इस प्रतिमा को बैठाने में इस पूरे संस्था, इस पूरी मोहल्ले फुजलपुर वार्ड का जो है उस सबका सहयोग रहता है और ये मूर्ति हम सबके सहयोग से बैठाई जा रही है। माँ की स्थापना और माँ के पूजन के लिए हम लोग काफी समय से लगे हुए हैं। हम सभी महाभक्त जो है इस प्रतिमा को स्थापित करते हैं, इसकी पूजा करते हैं और विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं। बाकी जो भव्य पंडाल बनता है, जो भव्य माँ की प्रतिमा लगती है, उसके अलावा जो हमारी अपनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ हम माँ भक्त अपनी मूर्ति का पूजन करते हैं, हवन करते हैं और माँ का विधिवत विसर्जन करते हैं।